चेतना, आज आपके साथ कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा जिसका ताल्लुक है सऊदी अरब के जो एक रिसेंटली अक्टूबर में एक डेलीगेशन आया जिसमें सऊदी अरब के जो मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ बहुत से दूसरे मेम्बरांस थे जिनका ताल्लुक एनर्जी, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और मल्टीपल इंडस्ट्री से था। ये वो सऊदी बिजनेसमैन थे, वो सऊदी कंपनीज के ऑनर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। उस डेलीगेशन में बहुत से MOUs साइन हुए और उनसे हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा, उससे किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में, और इसके साथ क्या फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए निकलेंगी जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं या सऊदी अरब में बिज़नेस करना चाहते हैं या GCC में करना चाहते हैं। तो मैं आज के इस अपने व्लॉग में आपके साथ ये सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान से कुछ हाई ऑफिशल्स ने विज़िट किया सऊदी अरब में और 30 MOUs जो हैं वो साइन हुए और उन पर एग्जीक्यूशन भी जो है वो हो गया स्टार्ट। तो अब वो जो MOU साइन हुए 30, वो स्पेसिफिकली जॉब्स, वर्क वीज़ाज से रिलेटेड था, ट्रेनिंग से रिलेटेड था। इन्होंने जो है एक MOU साइन किए सऊदी हाई ऑफिशल्स के साथ जिसमें स्पेसिफिकली इन्होंने ये ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब मार्केट में क्या क्या डिमांड्स हैं निकल सकती हैं पाकिस्तानीज के लिए और उससे रिलेटेड जो है पाकिस्तान में सऊदी अरब जो है वो अपने यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करेगा, लोगों को स्किल सेट जो है वो उसको पॉलिश किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और ये उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया की ट्रेनिंग होगी जिसकी डिमांड सऊदी अरब में है और जिसकी डिमांड जो है वो GCC में है। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, फॉरेन रेमिटेंस में अर्न करना चाहते हैं, अपनी जॉब्स को लेके, अपने कैरियर, इवन अपने बिजनेस को लेके वो किसी ना किसी वाले से बाहर मूव ऑन होना चाहते हैं। तो उनके लिए इन 30 MOUs में बहुत सी ऐसी ओपनिंग हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब पर्पज़ क्या है कि आपने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि जब भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी तो आपने उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करनी है। और ये ट्रेनिंग स्पेसिफिकली कोई इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मैकेनिक नहीं, हाई एंड जो स्किल के लोग हैं, हाई एंड जो प्रोफेशन हैं उनके लिए भी ये जो है वो ट्रेनिंग्स जो है वो दी जाएंगी। और ऑन द अदर साइड जो लोग इस ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन नहीं करते, ऑन द अदर हैंड उनकी एक अच्छी स्किल सेट, अच्छी एजुकेशन, अच्छी डिग्री, उनके लिए भी जो है ना वो जॉब ओपनिंग सऊदीया में निकलेंगी। और स्पेसिफिकली इस पे जो कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस अगर करता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके उन स्पेसिफिक जॉब सीकर्स को, इम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देगी, उनकी उनके स्किल सेट को पॉलिश करेगी, उनको ट्रेन करेगी विद इन पाकिस्तान, फिर वो लोग फर्दर मूव करेंगे सऊदी अरब जॉब पर्पज़ के लिए। और इसमें जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा है उन्होंने ये भी अपडेट किया है कि जो आपका टेम्प्रेरी और सीजनल वर्क वीज़ा है वो 90 डेज तक जो है वो 90 डेज के लिए इशू किया जाएगा और 90 डेज के बाद उसको हम जो है उसकी एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर अनदर 90 डेज। तो 180 डेज आपके पास हैं कि आप लोग जो हैं वहाँ पर जॉब हंट कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को अनाउंस किया है कि कोई भी टेम्प्रेरी वीज़ा, सीजनल वीज़ा अगर इलीगली बेचा जाएगा तो 50,000 रियाल का फाइन होगा उस शख्स को जो वो वीज़े सेल कर रहा है। और इसके साथ ऑब्वियसली जो एप्लीकेंट होगा उसको भी बहुत से तरह के बैन, हज उमरा से रिलेटेड लगेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि क्लियर एंड क्रिस्टल ये एक मेथड होगा जिसमें फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे, फ्री वीज़ाज होंगे, जो ऑफिशियल फीसिस होंगी वही सिर्फ चार्ज की जाएंगी। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं इसमें बहुत सी जॉब ओपनिंग जो हैं वो माइनिंग में, आपकी एनर्जी सेक्टर में, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में, आपकी हेल्थ सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर्स में जो जो सऊदी गवर्नमेंट को जिन स्पेसिफिक ट्रेड के लोग चाहिए होंगे उन्हीं ट्रेड के लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग्स होंगी उन वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ से वो अपनी ट्रेनिंग हासिल करके जॉब्स मिलेंगी। और उन जॉब्स में ऑब्वियसली पर्पज यह है कि पाकिस्तानी स्पेशल तौर में इसका एडवांटेज होगा क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और जिसकी वजह से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर जॉब मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे। तो ये मतलब मैं सिर्फ आपको बताने का पर्पज है, ये 30 MOUs वो हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं, नौकरियों से रिलेटेड हैं, वर्क वीजा से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे MOUs हैं जिसमें बहुत सी और तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम पाकिस्तानी को मिलेंगी। तो आई होप कि आप जो भी जिस भी कैरियर में हैं तो आपके लिए सऊदी अरब में बहुत से डोर्स जो हैं जॉब्स के हवाले से, कैरियर के हवाले से ओपन होने जा रहे हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।
है।